बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना आमिर। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की झटपट चटपटी सी आलू की कतलियाँ। तो इसके लिए यहाँ पे हमने पैन गरम पे रखा हुआ है और इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल डालेंगे। इसको गरम करेंगे। ऑयल गरम हो गया, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और 5 से 6 हम इसमें डालेंगे लाल वाली मिर्चें। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके बारीक स्लाइस करके रखी है, ये ऐड कर देंगे। हल्का सा पंजा चलाएंगे इसके अंदर, बस हल्का सा पिंक कलर देंगे प्याज को। प्याज का हल्का पिंक कलर आ गया। अब हम इसमें, हमने 5 आलू लिए, उनको स्लाइस करके रखा हुआ है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और 2 बड़े टमाटर लिए थे, इनको काट के रखा हुआ है। टमाटर डाल दिए हैं। अब इसको फ्लेम हम हाई करके इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पक कर देंगे, फिर मसाले ऐड करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं आलूओं को हाई फ्लेम पर पके हुए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा साबुत धनिया जाएगा इसमें, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें जाएंगी, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, चाट मसाला जाएगा 1/2 टीस्पून, इसके अलावा अमचूर पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला इसमें। और इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चटपटी कतलियाँ बनेंगी हमारी। मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, डालेंगे 1 टीस्पून, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अब हम इसमें दही डालेंगे, 3 टेबल स्पून हम इसमें दही डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। तो तकरीबन 1/2 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। दस मिनट हो गए, ये देखें कतलियाँ बहुत अच्छे से हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया काट के रखा था ये ऐड कर देंगे। और बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पर रखेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए, ये देखें ज़बरदस्त किस्म की हमारी कतलियाँ रेडी हो गई हैं। बस हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने आलू की कतलियों को डिश आउट कर दिया। ये बहुत ही मज़ेदार चटपटी तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। अल्लाह हाफिज़।